हे गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। मैं हूं संजय सजवाण और आप देख रहे हो सजवाण डायरी। तो आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा जू पार्क का, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी जो है हम उससे आगे जा रहे हैं, लेकिन कहां तक जा रहे हैं वो हमको भी नहीं पता फिलहाल। तो अभी आप इंजॉय करें ब्लॉग को, और अगर आप जो है फर्स्ट टाइम मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो आप जाके पीछे जू वाला ब्लॉग देख सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। और अभी जो है हम हैं मसूरी रोड पर, और पता नहीं कहाँ तक जाते, ऊपर देखना पड़ेगा। पेट्रोल पंप भी नहीं है, और अभी तो गाड़ी में पेट्रोल हाँ गाड़ी में पेट्रोल भी कम है। पेट्रोल पंप देखना पड़ेगा, सबसे पहले पेट्रोल भराना पड़ेगा, उसके बाद ऊपर जाना पड़ेगा। चलो चलते ऊपर। अभी पेट्रोल भराते फिर चलते हैं आगे। अभी चलते हैं सबसे पहले शिव मंदिर, जो कि बस थोड़ी सी दूरी पर है, ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो पहुँच ही जाएंगे कुछ ही देर में। तो शिव मंदिर आपको दिखाते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर आगे कहीं तक जा सकते हैं हम। अगर नहीं जा सकते तो कोई नहीं, शिव मंदिर तक तो फिक्स है, इतना देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जो है मौसम भी चेंज होने लग गया धीरे धीरे करके, और तुम्हें पता ही है देहरादून का मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, कभी बारिश आ सकती है। और अभी आप धूप देख रहे हो, थोड़ी देर में छाया आ जाएगी। एंड हम शिव मंदिर जो है पहुंच चुके हैं, और मैं आपको दिखा दूं आगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर। पर यहाँ पे कोई भी प्रसाद या चढ़ावा नहीं चढ़ता, आपको अंदर ही मिलाई दे रहा होगा। हाँ, तो अभी तक मैं क्या कर रहा था, अभी तक माइक उधर को था ना। ओके, अब नहीं बोल रहा हूँ। एंड गाइस अभी हम जो है यहाँ पे रुक चुके हैं, यहाँ पे लगा दी हमने गाड़ी। ये रहा आशीष और ये रहा मैं, और यहाँ से जो है आगे का व्यू बड़ा मस्त दिखता है, शिव मंदिर दिखता है आगे, दिखाता हूँ। ये देखो दिख रहे हैं आपको शिवजी भगवान, वो देखिए सामने, वो देखिए पहाड़ों में बसे हुए हमारे शिवजी भगवान। ये काफ़ी फेमस मंदिर है वैसे ना, आइएगा जरूर इधर। मास्क एंड गाइस अब जो है हम वहाँ से आगे आ चुके हैं, और आगे देखते हैं और कितनी आगे जा सकते हैं हम। आगे तो बहुत आगे जा सकते हैं, पर हमें जाना है कहाँ तक, कहाँ तक जाना है, मैगी पॉइंट तक। और हमें जाना है मैगी पॉइंट तक। मैगी पॉइंट से आपको दिखाएंगे देहरादून, अगर दिख रहा होगा, वैसे उम्मीद तो अच्छा दिख रहा होगा वहाँ से देहरादून का व्यू बड़ा मस्त आता है। हाँ, क्योंकि कल बारिश भी हो रखी है ना। हाँ, तो अगर बादल ना लगे होंगे तो बहुत ज़्यादा मस्त व्यू आएगा वहाँ से। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सर, कैमरे को बहुत अच्छे से होल्ड कीजिएगा, क्योंकि अगर किसी बाइक वाले ने अगर उस पर झपट्टा मार दिया बाई चांस, जो कि होता नहीं है वैसे अक्सर, तो हम उसकी गाड़ी को नहीं मार सकते हैं, उसका पीछा नहीं कर पाएंगे। फिर हमें पैदल भाग के अपना कैमरा छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि स्कूटी इतनी तेज़ भागेगी नहीं। एंड गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मैगी पॉइंट पे, जो मैगी पॉइंट है वो यहाँ पे है आशीष भाई के पीछे, पूरा ये हाँ मतलब यहाँ पे है, यहाँ से लेके और नीचे तक यहाँ तक, और इससे ऊपर भी है। बाकी यहाँ से देहरादून का व्यू बड़ा ज़बरदस्त दिखता है। फिलहाल आधा देहरादून तो ये दिख रहा है जो आप देख रहे हो नीचे, ये पूरा देहरादून मस्त सा। बाकी आगे जाके फिर अच्छा सा व्यू दिखाते हैं जहाँ से मस्त व्यू दिखे, है ना। क्या मस्त, अभी उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ हमें ना, क्या बोलते हैं पीछे रेस्टोरेंट वालों ने, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे आना, पानी पी के जाना और फ्री का व्यू मिलेगा, व्यू मिलेगा। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं, चलते हम ऊपर, ऊपर से आके मस्त व्यू आएगा। यहाँ तो कोई है नहीं। गाइस ये देख सकते हो, यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र पड़ती है वहाँ तक पूरा देहरादून दिखाई देता है। और ये देखो इतने हाइट से जो है एक अलग ही व्यू दिखता है देहरादून का। देहरादून जो है एक घाटी में है पूरा, और चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, बहुत ही सुंदर व्यू। गाइस मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, तो आप ऊपर देख सकते हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। तो गाइस अब चलते हैं
इससे पहले बारिश आ जाए घर को निकलते हैं, वरना भीगते भागते जाना पड़ेगा हमें। गाइज हमने मंदिर तो दिखा दिया आपको और अब हम जो है मंदिर से बाहर आ चुके हैं और अब चलते हैं घर को क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है और अब करेंगे कौन आशीष भाई मोटो ब्लॉग करेंगे। लेट्स सी कैसे करते हैं कैसे लगे फिर तुम्हें कैसे लोग वो बाद में पूछ लेंगे उसके बाद। और ये अब हम शिव मंदिर से आगे बढ़ते हुए अब प्रसाद ले लिया हमने, प्रसाद खाया और चाय पी। तो कैसी लगी सर आपको चाय? अच्छा तेरी आवाज आएगी नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये है मसूरी के शिव मंदिर के साइड का एक बहुत ही बढ़िया सा व्यू। यहाँ पे शिव मंदिर भी है, आपको यहाँ पे प्रसाद मिलता है, प्रसाद में आपको चाय मिलती है और क्या मिलता है, हलवा भी मिलता है, पर आज हमें मिला छोले और पूरी थे। तो यहाँ पे बाहर के लोग भी बहुत सारे रुकते हैं, जो दिल्ली हरियाणा वगैरह से आते हैं वो भी काफ़ी लोग रुकते हैं ऐसे यहाँ पे। और जिस दिन यहाँ पे शिवरात्रि रहती है उस दिन यहाँ पे 1 किलोमीटर की भीड़ रहती है, जहाँ से मंदिर स्टार्ट हो रहा है यहाँ सारी जगह लाइन लगी रहती है। लोग 4 बजे सुबह पहुँच जाते हैं यहाँ पे उसके लिए, प्रसाद के लिए प्रसाद मिलता है यहाँ पे, भोले का प्रसाद। यहाँ पे आपको आगे एक मोड़ मिलेगा, जैसे आप 7 मोड़ जाते हो ना घर की साइड, तो थोड़ा सा ऐसा फील ले सकते हो आपके। हाँ इस साइड मेरा कॉलेज भी था, एक था मेरा कॉलेज। ये पहला मोड़, शिखर फॉल का रास्ता है यहाँ से, ओल्ड मसूरी शिखर फॉल। ये दूसरा मोड़, ये तीसरा मोड़। ओए संजय में तो उल्टे होने लगे रे मेरे को ऐसे होता है, मेरा सर घूम जाता है ऐसे। तो ऐसे देखो रधुली न थुलिका डोर आहा रधुली के भलो छाजी रो रधुली नक न थुली हाथ रुमाला रधुली तू छे भली बाना रधुली नक न थुली हाथ रुमाला रधुली न ये हमारे 3 साल तक अड्डा रहा ये वाला एरिया। हाँ यहीं था मेरा कॉलेज, मजे की यार इधर भी बहुत। अब यहाँ पे अगर कोई देख रहा है कॉलेज का बंदा जीआरडी का तो ये पहचान सकता है, यहाँ पे दुकानें हैं कुछ बहुत फेमस दुकानें। एक तो ये वाली है, अबे ये बंद होगी भाई शेट यार, यहाँ पे चाय पीने आते थे, मतलब मैं चाय पीने आता था, बाकी सिगरेट पीने आते थे वो तो। और यहाँ है बॉयज़ हॉस्टल जीआरडी, जीआरडी का हॉस्टल देखना चाहोगे? ये लड़कियों का है पहले वाला, उसके पीछे है लड़कों का, ये वाला लड़कियों का है। हाँ ये था हमारा कॉलेज, अभी भी है कॉलेज तो, पर हमारा नहीं रह गया। ये रहा, यहाँ पे अब ऐसी सिक्योरिटी हो गई जैसे रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे होते हैं। वो देखो यहाँ से टापने का रास्ता था, शॉर्टकट रास्ता।
फाइनल जो है हम पहुंच चुके हैं घर पे। एंडिंग नहीं की, बहुत बहुत कैसा लगा? एंडिंग ही नहीं की। कैसा लगा फिर? बहुत बेहतर, फर्स्ट टाइम ब्लॉग। अरे ब्लॉग में तुझे कैसा लगा मेरे साथ ऐसे बता। मुझे क्या लगा वो तो दर्शकों को पता चलेगा कैसा लगा। बताना जरूर कमेंट करके, कमेंट करके क्या आगे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ब्लॉगिंग तुझे। चलिए दोस्तों आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करेगा। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।